गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। टुडे वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु क्या है? सबसे पहले मैं आपको जलवायु के बारे में बताता हूँ। जलवायु का तात्पर्य है अपेक्षाकृत लंबी अवधि यानी लॉन्ग टाइम पीरियड, 50 या इससे अधिक वर्ष की मौसमी दशाओं की विशिष्टताओं के समूह को कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। यही जलवायु दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाई जाती है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु यानी सीजन्स। अतः मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण यानी रिवर्सल हो जाता है, कि पवनों की जो दशा है, ऋतुओं की दशा बदलते ही पवनों की दिशाएं हैं वो भी बदल जाती है। अब हम बात करेंगे मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकरूपता को मजबूत करती हैं, किंतु जलवायु की इस व्यापक एकता के बावजूद जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मौसम और जलवायु की यही भिन्नता भारत के प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करती है। भारत की जलवायु की प्रादेशिक भिन्नता को यानी प्रदेशों में जो अलग अलग जलवायु पाई जाती है उसको तापक्रम यानी तापमान, वर्षण यानी वर्षा, आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा तथा ऋतुओं की लय के रूप में देखा जा सकता है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं तापक्रम में भिन्नता। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल जैसे जैसलमेर में दिन का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में लेह जो जम्मू कश्मीर में है अथवा द्रास का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है जो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर स्टेट में। सेकंड पॉइंट है राजस्थान के चूरू या झुंझुनू जिले में जून के महीने के किसी भी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाता है। किसी भी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो सकता है, जबकि उसी दिन यानी सेम दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। कि तापमान में देखो इतना अंतर है कि राजस्थान के झुंझुनू और चूरू जिले में किसी भी एक नॉर्मल दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। कि तापमान में इतना अंतर होता है, दोनों भारत में ही हैं। थर्ड पॉइंट, दिसंबर की किसी ऋतु में जम्मू और कश्मीर के द्रास क्षेत्र में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कि दिसंबर के महीने में द्रास का रात का तापमान -45 तक नीचे चला जाता है, जबकि उसी रात को सेम तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, क्योंकि वहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव है वो होता है। नेक्स्ट आता है वर्षण में भिन्नता, वेरिएशन इन परसेप्शन। हिमालय के ऊंचे भागों में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जो वर्षण है वो स्नोफॉल के रूप में हिम के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण
जल की बूंदों के रूप में होता है, बाकी रेस्ट ऑफ जो इंडिया है उसमें जो वर्षण होता है वो बारिश के रूप में होता है। सेकेंड पॉइंट, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मोसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा यानी एवरेज रेनफॉल 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। कि वर्षा के आधार पर भी राजस्थान के जैसलमेर और मेघालय के चेरापूंजी और मोसिनराम में इतना अंतर है कि वहाँ औसत वार्षिक वर्षा मेघालय में 1080 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही कभी 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। मेघालय की गारो की पहाड़ियों में स्थित तुरा नामक स्थान पर एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में हो। कि मेघालय के तुरा नामक स्थान पर एक दिन में उतनी बारिश हो जाती है जितनी बारिश जैसलमेर में 10 सालों में हो। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में अगस्त में सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी दिए गए तापमान पर वहाँ तापमान पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, कि वायु का एक जो निश्चित आयतन इस वॉल्यूम उसमें उपस्थित जलवाष्प यानी उसमें कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तथा उसी तापमान पर उसी आयतन में और उसी टेम्परेचर पर उसी वॉल्यूम में जलवाष्प शोषण करने की एब्जॉर्ब करने की जो अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता 100% पाई जाती है, जबकि दिसंबर में इन्हीं क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता मात्र 15% रह जाती है। नेक्स्ट आता है आर्द्रता एवं शुष्कता में भिन्नता, वेरिएशन इन वेटनेस एंड ड्राइनेस। जुलाई में जिस समय असम की ब्रह्मपुत्र घाटी यानी असम नदी की ब्रह्मपुत्र जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है उसमें प्रलयकारी यानी भयंकर बाढ़ की चपेट में होती है, उसी समय राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है। कि वर्षा के आधार पर या शुष्कता के आधार पर इन दोनों स्थानों में इतना अंतर है वो पाया जाता है। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.